हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हाजिर हूँ आपके सामने चार धाम यात्रा की फिर से अपडेट लेकर। एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार ने यू टर्न ले लिया है, यानी कि एक बार अपने फैसले को फिर से बदल दिया है। आज ही के दिन ये फैसला दूसरी बार बदला गया है। सुबह ही मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कल रोक लगा दी थी कि चार धाम यात्रा जो है वो उस पर स्टे लगा दिया था। अगली हियरिंग 7 जुलाई को होनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि चारधाम यात्रा होगी, 1 जुलाई से ही शुरू होगी और सेट ऑफ गाइडलाइंस भी रिलीज कर दी गई थी कि वही आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट चाहिएगी और 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के लिए शुरू होगी, जबकि 11 जुलाई से उत्तराखंड के अलग जिलों के लिए शुरू होगी। तो दोस्तों, इस पर एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार ने अपने फैसले को बदल दिया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक बार फिर से चारधाम यात्रा को पोस्टपोन कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्टिव फर्दर ऑर्डर्स। उसके अगले आदेश तक एक बार फिर से चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट के आदेश थे उसके अकॉर्डिंग ही द गवर्नमेंट रिवाइज जो एसओपी है वो जल्द ही रिलीज कर देगी। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि चारधाम यात्रा में क्या चल रहा है। चारधाम यात्रा में अभी के लिए स्टे है, जो अभी फैसला है जब हम वीडियो बना रहे हैं, जैसे कोई अपडेट होगी वो वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, जो खासकर उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, जो प्लान बनाकर आ रहे हैं कि शायद 20 के बाद शुरू हो जाए, अकॉर्डिंग टू अगर 1 जुलाई से शुरू होती तो फिर हम चारधाम के दर्शन कर पाएं, तो दोस्तों उन सभी से निवेदन है कि अभी कोई भी ऐसा प्लान ना बनाएं, कोई भी ऐसे फ्लाइट ट्रेन टिकट बुक ना करें कि आपको उत्तराखंड आना है सिर्फ और सिर्फ चारधाम यात्रा के लिए। एक बार सिर्फ और सिर्फ चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी वालों के लिए स्टार्ट होने दीजिए, उसके बाद अपने प्लान्स बनाइए, क्योंकि सरकार और हाईकोर्ट के बीच में जो खींचातानी चल रही है, जो दलीलों पे दलीलें दी जा रही हैं, उसके बावजूद कभी हाँ होती है चारधाम यात्रा को, कभी ना होती है। तो एक बार आप वेट कर लीजिए, जैसे ही अलग स्टेट के लिए भी कोई भी गाइडलाइंस आएगी, पहले चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के लिए शुरू होगी, फिर उत्तराखंड के अन्य जिलों के लिए और फिर उसके बाद जाके अन्य राज्यों के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और बाकी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलती ही हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उत्तराखंड से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चार धाम यात्रा के लिए वेट कर रहे हैं। तो अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, साथ में इस वीडियो को भी शेयर करना है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, विजुअल ग्रुप में, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हर इंडिया का हर एक इंसान वेट कर रहा है कि चार धाम यात्रा कब ओपन हो और हम कब चार धाम यात्रा के दर्शन के लिए जाएं। तो उम्मीद है आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो, चार धाम यात्रा जल्दी ही शुरू हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेटेड जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।